रहे पुलिसकर्मी इन्हीं तंबुओं में बैठकर कंट्रोल रूम चलाते हैं, साथ ही मनोरंजन भी इन्हीं तंबुओं में होता है। आप देखिए समय राजस्थान संवाददाता रेखा सिंह की रिपोर्ट। ये सिरुना थाना जिसे बोला जाता है तंबुओं का थाना, ये हम पहले तंबू में प्रवेश करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ शायद रात की गश्त करके आए हैं, ये शायद सो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोनू सिंह। मोनू जी यहीं पे पोस्टिंग है आपकी? हाँ यहीं पे है, सिरुना थाने में। सिरुना थाने में पोस्टिंग है। क्या रात की गश्त के बाद सो रहे हैं? हाँ जी, रात हुए ड्यूटी करके आए हैं और सर्दी थी इसलिए वर्दी उतार के कपड़े पहन के आए। तंबू में ही सोते हो? हाँ यहीं सोते हैं। ठंडी नहीं लगती? ठंडी तो खूब लगती है, सर्दी नहीं लगती, जब ही तो कपड़े पहन के सो रहे हैं। तो ये आपने देखा पहला जो तंबू था जिसमें यहाँ लोग सो रहे हैं, ये जो विक्रम कामिक है। हम इधर और चलते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी। बैठे बैठे राम प्रसाद जी, क्या क्या काम है यहाँ पे? क्या किस पोस्ट पे है कार्यरत? ऐसे ही पद पे हूँ। ऐसा ही है आप यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी आप? कोई बकाया काम है फाइलों का वो कर रहा हूँ। ये क्या कमरा है आपका? कमरा ये है, निवास यही है हमारा। तंबू में ही रहते हैं? हाँ तंबू में ही रहते हैं, अब क्या करें, दूसरा कोई साधन है नहीं। खाना ही पूरा तंबू में चल रहा है तो हमें तो रहना इसी में पड़ेगा ना। आइए हम जायजा लेते हैं तंबू नंबर 3 का। यहाँ पे ये शायद ये जो नियमित जो ड्यूटी है उस ड्यूटी में जाने की तैयारी में है। कमलेश जी, आपका नाम कमलेश जी है? हाँ सर, कमलेश जी। कमलेश जी क्या ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। यही तंबू में रहते हो? हाँ तंबू में। ठंडी नहीं लगती? ठंड तो लगती है। खूब लगती है ठंड? पड़ती है। रोजी ठंड तो पड़ी रही है, यहाँ तो ठंड वैसे भी ज्यादा पड़ती है। अब है तंबू नंबर 4, यानी आखिरी तंबू है। तंबू वाले थाने की बात कर रहे हैं हम, सिरुना थाने में। आप सिरुना थाने में ही काम करते हैं जी? क्या नाम? नाम है ड्राउर कांस्टेबल पद पर तैनात। सिरुना थाना के थाना अधिकारी हमारे साथ है सुरेंद्र पुनिया जी, हम उनसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं। ये अभी साल भर पहले नया थाना खुला है। हाँ, और इसके लिए नई भवन के लिए जमीन अलॉट हो चुकी है हाईवे के ऊपर। अभी बजट आ जाएगा उसके लिए नई बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। तब तक अस्थायी व्यवस्था के तहत तंबू में आप जीवन बिता रहे हैं? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तंबू में भी रहने की आदत पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में ज्यादा ठंड नहीं लगती? नहीं ऐसी कोई विशेष बात नहीं। हम लोग अभी हैं अनुसंधान कक्ष, ये सिरुना थाना का अनुसंधान कक्ष है। देखते हैं अनुसंधान कक्ष में क्या है, किस तरह से अनुसंधान होता है। ये देखिए ये अनुसंधान, ये देख सकते हैं कि ये पुलिसकर्मी बेचारे मजबूरी में यहाँ पर खाना बनाते हैं। ये खाना बनाने के बर्तन हैं और तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ अनुसंधान के लिए प्रॉपर जगह भी नहीं है। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है और यहाँ पे ये छप्पर है और यहाँ ये चाय बनाते हैं। आप लोग यहाँ चाय बनाते हैं? यही जांच कक्ष है, यही अनुसंधान कक्ष है। क्या है ये? ये रसोई घर है। रसोई घर अनुसंधान कक्ष को रसोई घर बनाया हुआ है। क्या करें, खाना काम बनाने की कोई जगह भी नहीं है। नहीं है, ऊपर टीना है ना, देख लो पूरा ठंडा लग रहा है तुझे। इस समय कैमरा पर्सन नारायण के साथ मैं के सिंह, समय राजस्थान बीकानेर।